आप सब्जी में एक चम्मच घी डाल करके खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्जी में पूरा डिब्बा ही उड़ेल दोगे, वो नुकसान कर जाएगा। जी कुछ कहते हैं जी हम हफ्ते में एक बार करते हैं, फिर भी कमजोरी थकान आ जाती है, फिर भी मन नहीं करता है किसी भी काम को करने का। कुछ कहते हैं जी हफ्ते में हम 5 बार कर रहे हैं, फिर भी फिट रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मास्टरबेशन सही है या गलत है, क्या ये कोई बीमारी है? बहुत सारे पेशेंट मेरे क्लिनिक पर आते हैं, कहते हैं हम मास्टरबेट करते हैं और अब हमारी शादी होने वाली है तो क्या हमें कोई दिक्कत हो जाएगी, क्या कोई परेशानी बन जाएगी, क्या कोई इससे समस्या बन जाती है? तो सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, अंत तक जरूर देखें। कहा जाता है कि सेक्स एजुकेशन पर खुलकर के बात करनी चाहिए, बट मेरा मानना है कि इसका आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है। ये नहीं कि माइक लगा करके अनाउंसमेंट कर दें, अब ये नहीं है कि आप दिन में सुबह उठ करके आएँ और घर वालों को जाकर के बताएं कि जी आई हैड सेक्स लास्ट नाइट, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचो। अब जानकारी कैसे मिलेगी अगर इन पर खुलकर बात नहीं करनी? तो ये चैनल इसीलिए है, इस पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपका हमदर्द हूँ, क्वेश्चन कीजिए, आपकी परेशानी का सभी सोल्यूशन मैं आपको इसमें ज़रूर बताऊंगा, कमेंट बताऊंगा, फेसबुक पर आप आ सकते हैं। अब बात आती है कि क्या मास्टरबेशन सही है या गलत है। देखिए लिमिट में कोई भी काम अच्छा होता है, सही होता है, लिमिट से बाहर जाकर करोगे वो दिक्कत करेगा। आप सब्जी में एक चम्मच घी डाल करके खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्जी में पूरा डिब्बा ही उड़ेल दोगे, वो नुकसान कर जाएगा। तो लिमिट में सभी काम अच्छे हैं। मास्टरबेशन आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है उसे खत्म करता है, जो शारीरिक सुख है उसको बढ़ाता है, उसमें वृद्धि करता है, उसे पूरा करता है, तो ये बेहतर है। लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कंडीशन जब बिगड़ जाती है कि जब कहते हैं कि जी हफ्ते में हम तो जी 8-10 बार कर लेते हैं, 6 बार कर लेते हैं या रोज ही करते हैं, तब दिक्कत बन जाएगी। पेनिस का साइज कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, नसें कमजोर हो जाएंगी, सीमेन यानी वीर्य आपका पतला हो जाएगा, शुक्राणु की संख्या भी कम हो जाएगी, थका सा महसूस करेंगे और नाइटफॉल की समस्या बन जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें आपको हो जाएंगी अगर लिमिट से ज्यादा आप करते हैं। अब सवाल उठता है कि मास्टरबेशन आप कितनी बार कर सकते हैं? देखिए जैसा अभी बताया कि हफ्ते में आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है, टेंडेंसी अलग अलग होती है। कुछ कहते हैं जी हम हफ्ते में एक बार करते हैं, फिर भी कमजोरी थकान आ जाती है, फिर भी मन नहीं करता है किसी भी काम को करने का। कुछ कहते हैं जी हफ्ते में हम 5 बार कर रहे हैं, फिर भी फिट रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा क्यों है? देखिए ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है आपके खान पीन पर, आपकी डाइट कैसी है, आप एक्सरसाइज कैसी करते हैं, आपका वर्कआउट है या नहीं है, ये चीज़ें निर्भर करती हैं। अब खान पीन तो है जी समोसे, तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड, एक्सरसाइज नाम मात्र की भी नहीं है। सो करके उठते हैं 10 बजे, तो अगर आप एक बार भी करोगे तो भी कमजोरी आएगी। अगर आप हेल्दी फूड खाते हो, सप्लीमेंट भी आपके चल रहे हैं, कुछ कैप्सूल वगैरह आप इस तरह के ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, या फिर खान पीन ही आप ऐसा खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, और एक्सरसाइज भी आपके, चाहे आप रनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, चाहे डंबल से, चाहे किसी भी तरह से कुछ कार्डियो करते हैं, योग करते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये निर्भर करता है कि आपकी लाइफ किस तरह से चल रही है। अब सवाल दूसरा उठता है कि मास्टरबेशन का हेल्दी तरीका क्या है। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि पेनिस की आपको सफाई रखनी है, यानी कि पेशाब करके आए थे फिर मास्टरबेशन शुरू कर दिया, बीमारी फैले के फायदा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आप मास्टरबेशन करते हैं उसके तुरंत बाद आप पेशाब को ना जाएं, या तो आप पहले करके आए या फिर मास्टरबेशन के 1 घंटे बाद पेशाब करने जाएं, क्योंकि अगर आप तुरंत जाते हैं तो प्रोस्टेटाइटिस होने की समस्या हो जाती है, यानी प्रोस्टेट में सूजन हो जाती है, उसमें दर्द हो सकता है, प्रोस्टेट यानी गदूद, इसमें आपका सीमेन यानी वीर्य बनता है, तो यहाँ दिक्कत आपको हो सकती है, या फिर यूरिनेशन यानी पेशाब के दौरान आपको दर्द या जलन हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, आप कोई मॉइस्चराइजर लीजिए या फिर कोई ऑयल लीजिए, उसकी मसाज कीजिए पेनिस पर, और उसके बाद मास्टरबेशन कीजिए, उससे आपको फील आएगी वेजाइना की, क्योंकि वेजाइना में थोड़ा लिक्विड होता है, तो वही फील आएगी आपको। अगर आप सूखा ही रगड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप रियल सेक्स के लिए जाएंगे, वेजाइना में सेक्स करने जाएंगे, तो आपको फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आपको आदत हो चुकी है सूखा रगड़ने की, मास्टरबेशन करने की, आप इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि जल्दी जल्दी ना करें, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, समय निकालना है आपको, ये नहीं कि भाई कहीं शुरू हो गए, जब आपके पास समय हो जब भी कीजिए। ये बात है आपकी फिजिकल नीड की, फिजिकल प्लेजर की, जब आपको मज़ा ही नहीं आएगा तो उसे करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जब समय हो तभी करें, जल्दी जल्दी ना करें, धीरे समय लेकर के तब इसे करें। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप मास्टरबेशन कर लें तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, कहीं उठ के भागना नहीं है कि कुछ काम में लगे कुछ भागना शुरू कर दिया, रिलैक्स हो जाएं, बॉडी को नॉर्मल होने दें, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको जब एक समय में आप कोई मास्टरबेट करते तो एक बार ही करें, ये नहीं कि 2 बार कर लिया 3 बार कर लिया एक ही समय में, वो दिक्कत कर जाएगा, वो फायदा नहीं होगा, कमजोरी आ जाएगी और मज़ा भी नहीं आएगा, वो तो यार एक बीमारी है, मानसिक बीमार हो आप, तो एक बार में एक ही बार करें आप। फिर आप एक चीज और कर सकते हैं इसे बेहतर बनाने के लिए, एक होती है कीगल एक्सरसाइज, बहुत सुना होगा आपने, नेट पर भी सुना होगा। तो कीगल एक्सरसाइज आप करते हैं तो जो आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, फिजिकल आपकी जो
हेल्थ है वो बढ़िया हो जाती है, पेनिस में तनाव भी रहता है, इजैकुलेशन टाइम भी आपका बढ़ जाता है। तो कीगल एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन लाइफ में शामिल करें। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई जानकारी अधूरी है तो मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।